गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंग्लिश बुक का पेज नंबर 18 का हम ये टॉपिक देख रहे हैं, जहाँ पे एक टेबल बना हुआ है जिसमें कॉलम ए में कुछ कॉमन नाउन दिए हैं, कॉलम बी में कुछ उनके प्रॉपर्स नेम दिए हुए हैं और उनको मैचअप करना है। सिटी, सिटी को हम किससे मिलाएंगे, चेन्नई, बिल्डिंग, ताजमहल, गर्ल, सुमन, बुक आपकी इंग्लिश रीडर, कंट्री आपका इंडिया, स्टेट कर्नाटका एंड माउंटेन रेंज हिमालयस। ओके, इन बी आपके ए और बी में कुछ वर्ड लिखे हुए हैं जो कि कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड हैं। यहाँ पे आपके क्या लिखे हैं, कलेक्टिव नाउन दिए हुए हैं और उनको आपके किस चीज के वो नाउन है उससे हमको मैचअप करना है। ओके, स्वाम, स्वाम किससे मिलेगा, बी से। बंच, बंच किसका होता है, कीज का। टीम, टीम आपकी होती है प्लेयर्स की। कोर, कोर आपका होता है आपका सिंगर्स। पैक, पैक आपका होता है वोल्फ का। फ्लाइट, फ्लाइट मींस फ्लाइट किसका होगा आपका, स्टेयर। आर्मी, आर्मी आपका सोल्जर। एंड क्राउड, क्राउड आपका पीपल से मैच होगा। ओके, नाउ नीचे आप देखिए, यहाँ पे कुछ आपको सेंटेंस लिखना है, किस तरीके से लिखना है। अ क्राउड ऑफ पीपल, तो इस तरीके से लिखना है आपको, अ स्वार्म ऑफ बीज। सेकेंड किससे मिलाया है, बंच को कीज से मिलाया है, तो आप कैसे लिखेंगे, अ बंच ऑफ कीज। ओके, यू अंडरस्टूड। इस तरीके से आपको पूरे के पूरे 2, 4, 6, 8 सेंटेंस फॉर्म करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 सेंटेंस आपको फॉर्म करने हैं। ओके बच्चों, उसके बाद हम पेज नंबर 20 देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। दैट बॉय वर्क्स हार्ड। अगर बहुत सारे बॉयज हैं तो हम क्या बोलेंगे, दोज बॉय वर्क्स हार्ड। द वुमेन गोज टू हर वर्क। द वुमेन गोज टू देयर वर्क। बॉय का बॉयज हो गया, मैनी में वन है, ये मैनी है, ये वुमेन है, ये वुमैन है। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे रहा है। एनी नाउन दे स्टैंड फॉर ओनली वन पर्सन। जो वन पर्सन के लिए, अगर कोई नाउन केवल वन पर्सन के लिए स्टैंड कर रही है या वन थिंग के लिए स्टैंड कर रही है तो उसको सिंगुलर नंबर बोला जाता है, एज अ बॉय, वुमैन, पैन। A noun that stand for more than one person or a thing is stand to be plural number, boy, woman, pens, etc. Okay, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ये आपको याद रखना है, लर्न इट। ओके, देख लीजिए, ऑब्जर्व हाउ द फॉलोइंग नाउन फॉर्म देयर प्लूरल। बी का बीज, गैस गैसेस, वॉच वॉचेस, सिटी सिटीज, हाफ हाफ्स, बफेलो बफेलोस, फूट फीट, माउस माइस, ऑक्स ऑक्सन, सन इन लॉ का हो जाता है सन्स इन लॉ। ठीक है, ये अंडरस्टूड हैं हम। उसके बाद देखिए, नाउन ऑलवेज यूज इन सिंगुलर। कुछ नाउन होती है जो कि ऑलवेज सिंगुलर यूज होती है, कभी चेंज नहीं होती। नाउन ऑलवेज यूज इन प्लूरल। कुछ होती हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होता है और कुछ होते हैं नाउन हैविंग द सेम फॉर्म इन प्लूरल एंड सिंगुलर। और कुछ होते हैं कि प्लूरल और सिंगुलर में हमेशा सेम यूज होते हैं, चाहे एक शीप हो तब भी शीप बोले जाते हैं, 10 शीप हो तब भी शीप ही बोले जाते हैं। अंडरस्टूड। जैसे कि देखिए, सिंगुलर में भी न्यूज़ ही यूज होता है, ऐसा नहीं है कि हम सिंगुलर में न्यू बोल दें, सिंगुलर में न्यू बोल दें और प्लूरल में हम उसको न्यूज़ बोलें। ओके, सब में ये न्यूज़ ही बोली जाती है। फर्नीचर सिंगुलर में भी ऐसे ही यूज होता है, राइस, ब्रेड, इंफॉर्मेशन और सीनरी, ये सारे आपके क्या हैं, ऑलवेज यूज इन सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं।
और ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमेशा इसी फॉर्म में प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, चाहे वो सिंगुलर जगह पे लिखे जाएं चाहे वो प्लूरल फॉर्म में लिखे जाएं। आर्म्स, कैटल, पीपल, सीजर्स, ट्राउजर्स, सीजर नहीं बोला जाता, सीजर्स ही बोला जाता है उसको, ट्राउजर्स, स्पेक्टल्स, रिचेस, क्लॉथ्स एंड पोर्ट्रीज, एंड शीप, डियर, एयरक्राफ्ट, इनिंग्स, कैनोन्स, सीरीज, ये हमेशा आपके सिंगुलर और प्लूरल में सेम होते हैं। आई होप कि आपको अंडरस्टूड हो रही होंगी चीज़ें। उसके बाद देखिए, अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो उसके बैकवर्ड में देखिए आप। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, सेपरेट सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन गिविंग द बॉक्स इनटू टू कॉलम्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ सर्च करना है कि सिंगुलर में कौन से आएंगे एंड प्लूरल में कौन से आएंगे, और यहाँ पे आपको टेबल में लिखना है। मैं जो सिंगुलर है उनको मैं क्या कर दे रही हूँ, टिक कर दे रही हूँ, सिंगुलर वाले मैं टिक कर रही हूँ। जैसे ओएशेस आपका सिंगुलर है, मैंने सिंगुलर वाले को टच कर रही हूँ, एक में लिख दे रही हूँ मैं, ताकि आपको कन्फर्म हो सिंगुलर। शर्ट सिंगुलर नहीं होता है, स्पून सिंगुलर है, टाइगर, डियर हमेशा दोनों में यूज होता है, तो डियर मैं इसको सिंगुलर में टच करूंगी। रोजेस नहीं आएगा, फोकस सिंगुलर है, लीफ सिंगुलर है, पोटैटोस नो, स्टोरी सिंगुलर है, ट्राउजर्स के प्लूरल में आएगा, शीप आपका मैनी में यूज होगा क्योंकि शीप जो है वो कॉमन सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में लिखा जाता है। ठीक है, तो आप इसको प्लूरल में लिख दीजिएगा, वैसे तो आपको सिंगुलर में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीपल, सीजर्स एंड लाउस आपका किस में आ जाएगा, वंस में आ जाएगा। ओके, बाकी जितने भी रिमेनिंग हैं वो आपके किस में चले जाएंगे, मैनी में चले जाएंगे। ओके, उसके बाद देखिए, राइट ऑफ द टू वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट इज करेक्ट, आपको जो करेक्ट है उस पर हमको टिक मारना है। माई सीजर्स इज आर नॉट वेरी शार्प, सीजर्स, सीजर्स हमने पीछे पढ़ा था देखिए कि जो सीजर्स था कहाँ था, देखिए ऑलवेज यूज इन प्लूरल फॉर्म में होता है, पीछे टेबल में देख लेना, जब ये प्लूरल फॉर्म में यूज होता है तो हम इसमें क्या टिक करेंगे, आर यूज करेंगे। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स सिंगुलर वर्ड है तो हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, इस दिखने में ये एस लगा हुआ है लेकिन ये सिंगुलर है। द हंटर शूट्स थ्री डियर या फिर डियर्स, तो क्या आएगा बच्चों इसमें, डियर। 50 शीप, शीप प्लूरल फॉर्म में आएगा, ठीक है, आर गेजिंग इन द फील्ड, शीप्स नहीं बोलते हैं तो शीप ही बोलते हैं। ओके, उसके बाद अगेन आप देखिएगा, आपके पास एक मस्कुलिन एंड फेमिनिन के लिए एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, मतलब ये ही है और ये शी है, ही और शी तो हम समझते हैं, ये मेल ये फीमेल, लॉयन लॉयनेस, पोएट पोडेस, बुल काउ, कोल्ट फिली, जैकेस जेनेसिस, ब्राइट, यहाँ पे देखो दोनों इसने एक साथ दे दिया है, ब्राइट मत लिखिएगा, रूम ब्राइट। ओके, अब हमको इसमें कैटेगरी वाइज इस टेबल में से छांट के हमको कैटेगरी वाइज यहाँ पर लिखना है कि कौन किस में जाएगा। ओके, मैं लिख देती हूँ, आपका मस्कुलिन में क्या जाएगा, शीप, हस्बैंड, लैंडलॉर्ड, हेयर, एंड कॉक, कॉक एंड ड्रोन, ये आपका मस्कुलिन में आ जाएंगे, देख लीजिएगा, एंड फेमिनिन में आएंगे आपके बिच,
लॉन्ड्रेस, शी वियर एंड वॉच. ओके, उसके बाद हमारा है न्यूटन, इसमें आ जाएगा वॉल, पेंसिल, टेबल एंड डन. उसके बाद कॉमन में आएगा बेबी, बर्ड, कजिन एंड चाइल्ड. ओके, तो ये आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है. ओके, उसके बाद ये तो आपको बन ही जाना चाहिए. फर्स्ट है अ बॉय इज टू गर्ल एज अ टाइगर इज टू टाइग्रेस. अपोजिट लिखना है. अ ब्लैंक्स इज टू प्रिंसेस. प्रिंसेस का अपोजिट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एज अ हीरो इज टू हीरोइन. प्रिंसेस है तो प्रिंस कर दीजिएगा, प्रिंस. अ होस्ट इज टू अ ब्लैंक्स एज अ पोएट इज टू पोएटेस. तो होस्ट का आपको यहाँ पे डालना है होस्टेस, ई डबल एस लगा देना, होस्टेस. अ टेलर इज टू सेमिस्ट्रेस एस एन ब्लैंक्स इज टू एन एक्ट्रेस. एक्ट्रेस का अपोजिट क्या आएगा? एक्टर. ओके, तो ये हो गया आपका. उसके बाद आपका है रीराइट द फॉलोइंग आफ्टर चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन एंड मेकिंग अदर चेंज इफ नेसेसरी. तो ये क्या लिखा है? द लॉयन कैरी, आपको रीराइट ऑफ जेंडर चेंज करना है एक तो, एंड मेकिंग द अदर चेंजेस इफ नेसेसरी. तो इसमें क्या हो रहा है? आपको जेंडर चेंज करना है, जहाँ जहाँ भी जेंडर चेंज को करने के लिए मिल रहा है. तो लॉयन की जगह हम क्या लिख देंगे? लॉयनेस. द लॉयनेस कैरीड अवे द सन. सन की जगह क्या कर देंगे? डॉटर. वॉशर मैन की जगह क्या कर देंगे हम? वॉशर वूमैन. तो मैं मैन की जगह बस चेंज कर रही हूँ, वॉशर वूमैन. ओके, द हीरो, हीरो की जगह क्या आ जाएगा? हीरोइन. द हीरोइन ऑफ दिस प्ले इज अ वूमैन, ग्रेट स्किल एंड एक्सपीरियंस. हिज नेफ्यू, नेफ्यू की जगह क्या करेंगे हम? नाइस, एन ई आई सी ई, भतीजे. एंड ब्रदर्स की जगह क्या करेंगे? सिस्टर्स. केम टू हिम की जगह हम क्या कर देंगे? हर. जेंडर चेंज करना है. द होस्ट की जगह क्या आ जाएगा? अभी हमने ऊपर कर था होस्टेस. आस्ट हिज की जगह हर. मेड सर्वेंट की जगह क्या आ जाएगा? क्या आएगा? हर मेड सर्वेंट. तो ये मेड हटा देना आप. हर सर्वेंट टू ले द टेबल एट वंस. ओके, इतना हो गया. लास्ट देख लीजिए, यहाँ पर आपको कंप्लीट द कन्वर्सेशन बिलो द चूजिंग अ प्रॉपर रिस्पॉन्स फ्रॉम द बॉक्स. अवर स्कूल हैज़ वोन द फर्स्ट प्राइज इन द डिबेट कॉम्पिटिशन. तो अब इसमें ऑप्शन क्या लिखेंगे? दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. फर्स्ट
माई पर्स हैज बीन स्टोलन, क्या आएगा? हाउ सैड. लुक एट दीज ब्यूटिफुल पिकॉक्स, तो क्या आ जाएगा इसमें? आरंट दे लवली. हैव यू हियर्ड अमित हैज गॉट अ स्कॉलरशिप, रियली. हैव यू हियर्ड अबाउट द डेन्यू फीवर, अबाउट 60 पीपल हैव डाई इन दिल्ली, दैट्स टेरिबल. ओके, उसके बाद आपका आता है एक अनसीन पैसेज, जो कि आपको रीड करके आपको खुद ये टास्क आपको खुद करना है. ये आपको अनसीन पैसेज पढ़ना है और इसके वन वर्ड के आंसर आपको सर्च करके बुक में ही लिख लेना है. बस इसके आगे आपको नहीं करना है, ठीक है? ओके, इतना आप अपना कॉपी में करके रखिएगा. ओके, थैंक यू सो मच.